गांवों के वो चेहरे जिन पर अचानक एक दहशत की परत चिपक गई है। वो चेहरे जिनकी आंखों में अचानक उस अनजाने दुश्मन का खौफ है जो अब तक शहरों में शमशान बना रहा था। वो चेहरे जिन्होंने अब तक यही मान रखा था कि गांव की आबो हवा में कोरोना की घुसपैठ नहीं हो सकती, इन्हें अब भी ये स्वीकार करने में हिचकिचाहट है कि कोरोना संक्रमण के पैर अब गांवों के भीतर तक पहुंच चुके हैं। ये खबर अब सरकारों के कान तक पहुंची है, इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की टीम बिहार में सीतामढ़ी के बसंतपुर गांव में पहुंचती है और इसी गांव तक पहुंचते हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गांवों की उन गलियों तक जहां दावा है कि अब हर दूसरे या चौथे घर में कोरोना के संक्रमण ने गांव के भीतर घुसकर खतरनाक रूप से दस्तक दे दी है। कब से यहां पे टेस्टिंग चल रही है और क्या रिजल्ट निकले हैं? यहां अभी लगभग 12 बजे से 11 बजे से कर रहे हैं हम लोग, अब तक कर ही रहे हैं, जिसमें हम लोग जांच कर दिए हैं कितना हुआ 57 हो गया है, जिसमें पॉजिटिव 8 पॉजिटिव निकला है। अभी 8 जो भी था बुखार सर्दी खांसी लक्षण सब। बाकी जो लोग आए हैं लक्षण वाले कितने प्रतिशत लोग मिल रहे हैं? जितना एक्चुअली ज्यादातर तो बिना लक्षण वाले ही जांच कराए हैं आज, लेकिन वो 8 आदमी जो भी पॉजिटिव है वो लक्षण है उनको सर्दी खांसी। कितने गांव के ऐसे लोग हैं जिनमें लोगों को बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण है? यहाँ 50% का 50% से ये भाव, हाँ 50% ये भाव, हर एक घर में मतलब कि 4 सदस्य 3 सदस्य बुखार से पीड़ित। दवा लेने का टेस्ट करवाने नहीं जा, टेस्ट नहीं आ रहा है कराने, जिसके घरे मरा है एक भी लोग नहीं आ रहा है। इस गांव में कितने लोगों की डेथ हुई है? 8 आदमी की डेथ हुआ है। ये सब कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? एक सप्ताह के अंदर। लोगों का कहना है कि लगभग 20% आबादी ऐसी है जिनके अंदर संक्रमण या उसके लक्षण है, बुखार है, सर्दी खांसी है, और डर के मारे लोग आना नहीं चाहते टेस्टिंग कराने। एंटीजन टेस्टिंग यहां पर हो रही है, हालांकि एक बड़ी संख्या में लोग निकले भी हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन आप ये समझिए कि 55-60 टेस्ट में अगर 8 लोग संक्रमित निकले हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में, तो संक्रमण की दर बिहार के ग्रामीण इलाकों में, गांवों में क्या होगी? ये वाकई स्थिति विस्फोटक है, चिंताजनक है।